मूवी की शुरुआत एक जहाज से होता है जहाँ गवर्नर स्वान की बेटी एलिजाबेथ स्वान पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे की गाना गा रही होती है, और तभी वहाँ पर गिब्स आ जाता है और एलिजाबेथ से कहता है, चुप रहो बच्ची, सफेद लुटेरे इस इलाके में घूमते हैं और तुम चाहती हो वो हम पर हमला करे। तभी कमोडोर नंटन वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं, समुद्री लुटेरे बहुत खतरनाक और क्रूर किस्म के लोग होते हैं और मेरे हिसाब से जो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ सजाए मौत के हकदार है। ये सुनकर मिस स्वान की दिल टूट जाती है बिकॉज वो पायरेट्स को पसंद करती थी। तभी एलिजाबेथ की नज़र समुद्र की ओर जाती है और वो देखती है एक लड़का पानी में डूब रहा है। ये देखकर एलिजाबेथ अपने पिता को आवाज़ लगाती है और जहाज के मेंबर जाकर वही लड़का को जहाज में ले आते हैं। वो लड़का बेहोश था और जब उसे होश आता है वो अपने नाम विल टर्नर बताकर फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ स्वान को विल टर्नर के गले में एक सोने की सिक्का दिखती है जो कि लुटेरों की होती है और वो समझ जाती है ये भी एक लुटेरा है, मगर वो उसे बचाने के लिए वही सिक्का को अपने पास रख लेती है क्योंकि जेम्स नरिंगटन को अगर ये बात पता चल गया कि वो एक पायरेट्स के बेटा है देन वो उसे मार देगा। तो अभी जहाज के मेंबर देखते हैं समुंदर में एक जहाज पर आग लग गई है और वो जहाज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है। ये देखकर गिब्स कहता है ये समुद्री लुटेरे की करतूते हो सकता है, बट गवर्नर स्वान कहते हैं कोई सबूत नहीं है, शायद ये एक हादसा रहा होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं एलिजाबेथ स्वान अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने रूम में होती है। तभी वहाँ उसके पिता गवर्नर स्वान आते हैं और वो एलिजाबेथ को एक ड्रेस देकर कहते हैं, तैयार हो जाओ मैं आज तुम्हारी शादी की बात करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर विल टर्नर आता है और ये वही लड़का है जिसकी जान एलिजाबेथ ने बचाई थी। वो भी अब बड़ा हो गया है और अब वो यहाँ पर पोर्ट रॉयल में एक ब्लैक स्मिथ है। टर्नर यहाँ गवर्नर स्वान के लिए एक तलवार लाया था जिसे गवर्नर स्वान जेम्स नॉइंगटन को तोहफे के रूप में देना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और विल टर्नर को देखकर बहुत खुश होती है। हमें यहाँ पता चलता है ये दोनों के बीच वही सिमिलर वाली चक्कर है। फिर सीन कट होता है और यहाँ हमारे हीरो जैक स्पैरो की एंट्री होता है। वो अपने एक छोटे से नाव को जो कि डूबने वाला होता है उसे पोर्ट रॉयल के एक बंदरगाह में पार कर देता है और अपनी स्टाइल से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी जैक स्पैरो को एक आदमी रोक के उसका नाम पूछता है और कहता है बंदरगाह में कश्ती बांधने की एक रुपया लगता है। जैक स्पैरो उसे कहता है ये रखो तिगने दाम और भूल जाओ नाम, और वही बंदा जैक स्पैरो के नाम स्मिथ लिखकर उसे जाने देता है। इधर गवर्नर स्वान वही तलवार को जेम्स नॉरिंगटन को गिफ्ट करते हैं और अपनी बेटी की प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि जेम्स नॉरिंगटन एलिजाबेथ को पसंद करता था। दूसरे साइड जैक स्पैरो एक जहाज को चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे पोर्ट रॉयल की दो गार्ड देख लेते हैं और जैक से कहते हैं यहाँ आम शहरियों को आने की इजाजत नहीं है। जैक स्पैरो उन्हें अपनी बातों पर उलझा कर रखता है और उन्हें ब्लैक पर्ल जहाज की स्टोरी सुनाने लगता है। गार्ड जैक से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो और सच बताना झूठ नहीं। जैक्स उन्हें कहता है मेरा इरादा यह है कि यहाँ से एक जहाज चुरा कर अपने कुछ साथियों के साथ टोटुगा में डकैती मार के सारे माल लूट लूँ और अपनी ध्वज जमाऊँ। गार्ड कहते हैं झूठ मत बोलो सच बोलो। जैक्स कहता है मुझे पता है तुम्हें सच सुनने की आदत नहीं है इसलिए मेरी बातों को तुम झूठ मानोगे। इधर जेम्स नॉरिंगटन और एलिजाबेथ बातें कर रहे होते हैं और तभी एलिजाबेथ की ड्रेस बहुत टाइट होने के कारण उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे समुद्र में गिर जाती है। तभी जैक्स स्पैरो मिस स्वान को गिरते हुए देख लेता है और गार्ड को उसे बचाने के लिए कहता है, बट गार्ड कहते हैं उन्हें तैरना नहीं आता। जैक्स कहता है लानत है ऐसे सिपाहियों पर और वो समुद्र में कूद जाता है एलिजाबेथ को बचाने के लिए। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं वही सिक्का जो विल टर्नर के गले में था और फिलहाल एलिजाबेथ के पास जब है। वो पानी के अंदर जाता है वो एक मेजिकल साउंड क्रिएट करता है और इसके पीछे की रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा आखिर सिक्के के पीछे की कहानी क्या है। नेक्स्ट जैक्स स्पैरो मिस स्वान को बचा लेता है और गले में वही सिक्का को देखकर पूछता है ये कहाँ से मिला तुम्हें, बट मिस स्वान बताने से पहले वहाँ पोर्ट रॉयल की सेना आ जाते हैं और जैक्स को पकड़ लेते हैं। तभी मिस स्वान कहती है कमांडर इसने मेरी जान बचाई है और प्लीज आप उसे जाने दीजिए, बट जेम्स नॉरिंगटन जैक्स के हाथ पर बने टाटू को देखकर समझ जाता है कि ये समुद्री लुटेरा कप्तान जैक्स स्पैरो है और उसे जंजीरें पहनाने के लिए कहता है। कमांडर नॉरिंगटन जैक्स से कहता है तुम तो लुटेरे के नाम बदनाम कर रही हो। तभी जैक्स कहता है बदनाम होंगी तो क्या नाम नहीं होगा। ये कहकर जैक्स एलिजाबेथ को पकड़कर गन तान देता है और कहता है साहिबान आपको ये शख्स हमेशा याद रहेगा जो आपके हाथ आकर निकल गया कप्तान जैक स्पैरो, और वो वहाँ से भागने लगता है। और इधर नॉरिंगटन जैक्स को पकड़ने के लिए अपनी सेना को ऑर्डर देता है। जैक्स भागता हुआ लोहार विल टर्नर के घर में घुस जाता है। जैक्स वहाँ अपने हाथकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ विल टर्नर आ जाता है। विल जैक्स को देखकर कहता है तो तुम्हें बाहर सिपाही ढूंढ रहे हैं। जैक्स कहता है तुम जाने पहचाने से लग रहे हो पहले कभी मार खाई हो मुझसे। यहाँ ये दोनों के बीच एक फाइट होता है और तभी विल टर्नर के बॉस जो कि नशे में था वो पीछे से जैक्स को मारता है जिससे जैक्स वहाँ बेहोश हो जाता है और सेना उसे पकड़ लेते हैं।
उसी रात कैप्टन बारबोसा ब्लैकपर्ल जहाज से पोर्ट रॉयल पर अपने पूरे पायरेट टीम के साथ अटैक करता है। समुद्री लुटेरे पूरे पोर्ट रॉयल में फैल जाते हैं और तोप से हमला करते हैं। इधर दो लुटेरे जिनके नाम रेगाटी और पिंटेल, वो एलिजाबेथ स्वान के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था वही सोने की सिक्का मिस स्वान के पास है। और यहाँ हमें पता चलता है जिस दिन मिस स्वान समुद्र में गिर गई थी उसी दिन जो मैजिकल साउंड इस सिक्के से क्रिएट हुआ था वही मैजिकल साउंड इन्हें यहाँ पर खींच लाया है। पिंटेल एलिजाबेथ के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है और एलिजाबेथ कहती है मुझे तुम्हारे कप्तान से बातचीत करना है। और ये बातचीत सारे समुद्री लुटेरों की एक कायदे हैं जिसे कोई नहीं तोड़ता। अगर कोई भी इंसान बातचीत करने के लिए कहता है तो ये लोग उस पर अटैक नहीं करते, ये लुटेरों की एक रूल है। इसलिए वो लोग मिस स्वान को अपने साथ कप्तान बारबोसा के पास ले जाते हैं। दूसरे साइड दो लुटेरे कप्तान जैक स्पैरो के पास जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं देखो तो यहाँ कौन है। और हमें यहाँ पता चलता है ब्लैकपर्ल जहाज के लुटेरे पिछली बार जैक स्पैरो के साथ धोखा करके उसे मरने के लिए एक वीरान टापू में छोड़कर उससे ब्लैकपर्ल छीन लिए थे। इधर विल टर्नर मिस स्वान को बचाने के लिए जा रहा होता है और तभी पीछे से एक लुटेरा उस पर वार करता है जिसे विल टर्नर वहां बेहोश हो जाता है। और दूसरे साइड बारबोसा सिक्के के समेत मिस स्वान को भी अपने साथ ले जाता है। अगले सुबह जब विल टर्नर होश में आता है वो कमांडर नॉरिंगटन के पास जाकर मिस स्वान को बचाने के लिए कहता है बट नॉरिंगटन विल की बेइज्जती करके वहां से निकाल देता है। विल टर्नर निराश होकर मदद के लिए जैक स्पैरो के पास आता है। जैक स्पैरो पहले तो उसका नाम पूछता है और जब उसे पता चलता है उसका नाम विलियम टर्नर है तभी जैक टर्नर के साथ एक सौदा करता है। जैक्स कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से निकालते हो तो मैं अपनी जान से खेलकर तुम्हें ब्लैकपर्ल जहाज तक ले जाऊँगा। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और एक छोटे नाव के सहारे समुंदर के अंदर से होकर एक जहाज को चुराने की कोशिश करते हैं। तभी टर्नर कहता है यहाँ तो ये पागलपन है या फिर अक्लमंदी। जैक्स कहता है कामयाबी हासिल करने के लिए दोनों की जरूरत है लड़के। इसे भी करके ये दोनों डॉन्टलेस जहाज तक पहुँच जाते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। इधर ये बात कमांडर को पता चल जाता है और वो जैक्स को रोकने के लिए इंटरसेप्टर जहाज से उसके पीछा करते हैं। इंटरसेप्टर बहुत तेज चलने वाली जहाज होता है इसलिए पोर्टवेल सेना उन्हें घेर लेते हैं बट होशियार जैक्स डॉन्डलेस को छोड़कर वहां से इंटरसेप्टर को लेकर निकल जाता है। रास्ते में उल जैक्स को अपने पिता के बारे में पूछता है तभी जैक्स कहता है सच बोलूं तो तुम्हारे रोगों में एक लुटेरे की खून है। नेक्स्ट जैक्स और टर्नर इंटरसेप्टर के साथ टोटुगा पहुंच जाते हैं। टोटुगा सारे समुद्री लुटेरों की एक अड्डा होती है। जैक्स वहां गिब से मिलता है और अपनी टीम को तैयार करके ब्लैकपर्ल को हत्यारने की प्लान करता है। नेक्स्ट हमें ब्लैकपर्ल जहाज को दिखाया जाता है जहाँ कप्तान बारबोसा वही क्वेन की हिस्टोरी मिस स्वान को बताने लगता है। वो कहता है ये क्वेन एस्टेक की सोना है 882 क्वेन है जो कॉटेक्स को एक बक्से में दिए गए थे बट कॉटेक्स के लालच के कारण ऊपर वाले वही सोने पर एक भयानक श्राप डाल दिया। कोई भी इंसान इस बक्से से अगर एक भी सिक्का निकाला तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। फिर बारबोसा कहता है वही बक्सा मौत के टापू पर था और हमने उसे ढूंढ लिया और सारे सोना लूटकर मौज मस्ती में लग गए और ऐसे हम सारे लुटेरा शापित बन गए। बारबोसा ये भी कहता है वही श्राप को खत्म करने की एक ही तरीका है वही सारे बिखरे हुए सोने के सिक्के को हमें वापस से बटोरना होगा और उन पर खून चढ़ाना होगा। और यहाँ हम देख पाते हैं ब्लैकपर्ल के सारे पायरेट श्राप के मारे मूनलाइट पर भूत बन गए हैं। उनके शरीर में कंकाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। श्राप के कारण उनका कभी डेथ भी नहीं हो सकता और वो जिंदा होकर भी जिंदगी के मजे नहीं ले सकते यानी वो पूरी तरह से जिंदा नहीं है और वो ना ही पूरी तरह से मरे हुए हैं। इधर जैक्स अपनी टीम के साथ अपने कंपास के सहारे मौत के टापू में पहुंच जाता है। दूसरे साइड बारबोसा श्राप को खत्म करने के लिए वही सोने के बक्से पर मिस स्वान की खून चढ़ाता है बट श्राप खत्म नहीं होता। यहाँ बारबोसा समझ जाता है ये विल टर्नर नहीं ये गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ स्वान है। तभी वहाँ विल टर्नर आ जाता है और वो चुपके से मिस स्वान को वहाँ से लेकर निकल जाता है। इधर विल टर्नर की वजह से जैक स्पैरो को फिर से बारबोसा पकड़ लेता है। विल टर्नर मिस स्वान और गिब्स के साथी जब मौत के टापू से निकल रहे थे तभी बारबोसा उन्हें पकड़ने के लिए फिर से उनके पीछे लग जाता है और थोड़ी देर बाद इंटरसेप्टर जहाज को ब्लैकपर्ल जहाज दबोच लेता है। यहाँ हमें पता चलता है श्राप को तोड़ने के लिए बारबोसा को मिस स्वान की खून नहीं विल टर्नर की खून चाहिए क्योंकि वो बूटस्ट्रैप और विल टर्नर की बेटा है। विल टर्नर वही लुटेरा है जिसके पास बक्से के आखिरी सोने की सिक्का था। बारबोसा विल और उसके साथी को बंदी बना लेता है मगर जैक्स को और मिस स्वान को एक वीरान टापू पर मरने के लिए एक गन और एक गोली के साथ छोड़ देता है। यहाँ ये बात क्लियर हो जाता है पिछले बार जैक स्पैरो के साथ धोखा करने वाला और यही वीरान टापू पर उसे छोड़कर ब्लैकपर्ल छीनने वाला शख्स और कोई नहीं हेक्टर बारबोसा ही था।
बिरान टापू में जब जैक्स नशे में था तभी मिस स्वान जैक्स के सारे शराब की पेटी को जला देती है और जैक्स से कहती है पोर्ट रॉयल की सेना मुझे ढूंढ रहे होंगे और वो यही धुआं को देख कर यहाँ पर मुझे बचाने आ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर कमांडर नॉरिंगटन अपनी सेना के साथ आ जाता है और वो मिस स्वान को बचाने के साथ साथ जैक्स पेरो को बंदी बना लेता है। तभी मिस स्वान कमांडर से कहती है प्लीज आप मेरी खातिर विल को भी बचा लीजिए शादी का तोहफा समझ कर। और शादी के वास्ते कमांडर नॉरिंगटन भी विल को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट ये लोग डोंडलस जहाज से मौत के टापू की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद होशियार जैक्स अपनी बातों पर सेना को फंसा कर वो अकेले बारबोसा के पास जाता है। इधर बारबोसा उल टर्नर के खून बक्से में चढ़ाने के लिए पूरी तैयारी में होता है और तभी जैक्स आ जाता है। जैक्स को देखकर बारबोसा कहता है ये नामुमकिन है। जैक्स कहता है मेरे नाम कप्तान जैक्स पेरो है। जैक्स बारबोसा से कहता है तुम विल को छोड़ दो वरना नुकसान होगा तुम्हारा। बारबोसा कहता है मुझे बताओगे मेरे नुकसान क्यों होगा। जैक्स कहता है डॉन्टलेस जहाज जो शाही नौसेना की शान है वो बाहर बेसब्री से तुम्हारे निकलने की इंतजार कर रहा है इसलिए तुम पहले अपनी टीम के साथ नौसेना पर हमला करके उन्हें मार दो और बाद में शराब को खत्म करना। ये कहकर जैक्स वही सोने की बक्से में से एक सिक्का अपने पास रख लेता है ताकि अगर कोई भी उस पर हमला करे तो वो मरे नहीं क्योंकि उसे अपनी बदला जो लेना है बारबोसा से। तभी बारबोसा जैक्स की बात मान लेता है और वो अपने साथियों को नौसेना से लड़ने के लिए भेज देता है। वहाँ सेना और स्थापित पायरेट्स के बीच एक धुआंधार फाइट होता है। इधर जैक्स मौका देखकर तलवार उठाता है और वो बारबोसा पर हमला कर देता है। कुछ देर लड़ने के बाद जैक्स वही क्वेंस को अपनी खून चढ़ाकर विल टर्नर के पास फेंक देता है। इधर बारबोसा को वही गन और वही गोली से शूट कर देता है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कप्तान बारबोसा जब जैक्स को वही बिरान टापू पर छोड़ दिया था उसी पर बारबोसा जैक्स को एक गन और एक गोली देकर खुद को मारने के लिए कहा था और जैक्स वही गन से बारबोसा को मारने के लिए उसे संभाल कर रखा था। इसलिए बारबोसा को गोली लगने के बाद बारबोसा कहता है 10 साल तक वो बंदूक लेकर घूमते रहे और आज वो गोली जाया कर दी। तभी विल टर्नर कहता है उसने जाया नहीं की। ये कहकर विल अपनी खून से वही शराब को तोड़ देता है जिससे बारबोसा की इमोर्टल पावर खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। नेक्स्ट हमें पोर्ट रॉयल की सीन दिखाया जाता है जहां नौसेना जैक्स पेरो को फांसी देने वाले होते हैं और तभी जैक्स पेरो उन्हें बेवकूफ बनाकर समुंदर में कूद जाता है और यहां पर ये मूवी एंड हो जाती है।